नमस्कार, हर सच्ची खबर के साथ आप देख रहे हो आपका अपना चैनल स्मार्ट इंडिया डायल। 19 जुलाई 2021 को कमल किशोर ने प्रधान पंजाब वाल्मीकि सेना प्रतिनिधि सब्जी व फल विक्रेता कैंट बोर्ड के सीईओ ज्योति कुमार को शिकायत पत्र विरोध टैक्स सुप्रीडेंट श्याम सुंदर और असिस्टेंट टैक्स सुप्रीडेंट सुखबीर बोहरा के खिलाफ शिकायत पत्र दिया कि पिछले लगभग 4 महीने से सुखबीर बोहरा अपने तानाशाही रवैये से आजाद सब्जी मंडी जलंधर छावनी के सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं को डरा धमका कर जबरदस्ती मोटी रकम वसूलने धमकियां दे रहा है और उपरोक्त टैक्स ब्रांच एप कुछ ठेकेदार नंद किशोर उर्फ कालू, गुरप्रीत चड्डा और चरणजीत उर्फ विक्की चड्डा और विजय कुमार और कुछ गुंडा तत्वों के सहारे से गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान कर रहा है। सब्जी व फल विक्रेता किसी भी ठेकेदार को किराया देने के लिए राजी नहीं है और बार बार कार्यकर्ता से विनती करते हैं कि हम कानूनी दायरे में रहकर किराया देने को सहमत है, जबकि सुखबीर बोहरा पिछले कई वर्षों से एक ही कुर्सी पर कब्जा कर कैंट मार्केट और सब्जी मंडी से बिना रसीद अवैध रूप से मोटी रकम वसूल करके अपनी जेबें भर रहा है। अगर कार्यालय ने इस शिकायत पत्र 7 दिनों में सुखबीर बोहरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो जांच सब्जी मंडी एवं निवासी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन में किसी का भी जानी व माली नुकसान होता है तो कैंट बोर्ड कार्यालय ही इसका जिम्मेवार रहेगा। जलंधर कैंट से राहुल अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। सर जी, सब्जी मंडी वालों की जो प्रॉब्लम चल रही है जी, ये आपको मेमोरेंडम दिया इन्होंने आज, उसके रिगार्डिंग क्या करेगा जी कैंट बोर्ड? इस पर हम विचार करेंगे और हमारी अथॉरिटी आज जो है ऑफिशियल ड्यूटी में बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, वो आएंगी तो उनसे हम डिस्कस करेंगे और इसको सॉर्ट आउट कराएंगे। आज सर इनको कैश ऑर्डर्स दी गई है जी? फिर जी नहीं, ये इन्होंने हमने इनसे कहा है कि आप अंडरटेकिंग दीजिए अपना इंडिविजुअली कि आप हमें जो है किराया अपना डायरेक्ट देने को तैयार है, तो उस पर फिर अंडरटेकिंग जब हमें मिल जाएगी तो उस पर फिर आगे बोर्ड जाके रखेंगे। अज असी फिर एक बार आजाद सब्जी मंडी कैंट वालों कैंट बोर्ड कार्यालय के इतने पेश होए हैं और ईओ साहब की नामौजूदगी में डिप्टी सीओ सर सानू मिले हैं। साड़ी यही डिमांड हैगी है कि असी किसी भी शर्त के उत्ते ठेकेदार को किराया नहीं देवांगे, असी कैंट बोर्ड को सीधा किराया देवांगे और कैंट बोर्ड साढ़े को सीधे तौर पर अपने मुलाजमान राही साढ़े कैंट बोर्ड किराया वसूले और साड़ी कोर्ट से भी असी दायर अपील कर चुके हैं कि आए दिन ठेकेदार सानू जो तंग परेशान कर रहा और वध किराए की मांग कर रहा है, असी उहदे खिलाफ़ जतिंदर पाल जी के कोर्ट के अंदर माननीय अदालत जलंधर के अंदर भी कोर्ट दावा फाइल कर चुका है और इतने अभी दसना यह भी जरूर चाहवांगे कि 2 तरीक न उस कार्यालय तो संबंध इशू हुए थे सुखबीर बोहरा और सीओ साहब के नाम से और सुखबीर बोहरा पता सीगा कि ये इनहेंस रेंट के उत्ते अपना दावा फाइल होया, लेकिन उन्हें फिर भी देखो कि उस डाकूमेंट 2 तरीक न आजाद सब्जी मंडी असी भी पहुंचे तो यह भी पहुंचे है वापस बुला के उत्ते डेट चेंज करके और 8 तरीक न कोर्ट ऑफ कंडेम्ड करते हुए 8 तरीक न फिर भी सानू नोटिस पा दिए और नोटिस के अंदर शर्त रखी गई है कि तुसी छन मस्तिका जड़ा कालू ठेकेदार हैगा वा उन्हूं किराया दो नहीं तो असीं तुहाडा लाइसेंस रद्द करांगे और असी इस दे खिलाफ 7 दिन की चेतावनी दी है कि अगर सुखबीर बोहरे के खिलाफ और इलीगल एक्टिविटीज़ के उत्ते एक्शन ना लिया गया और साड़ी सुनवाई ना की गई तो असी भुख हड़ताल से बैठांगे और इस भुख हड़ताल के अंदर किसी जान माल का नुकसान होंगे तो कैंट बोर्ड प्रशासन जिम्मेवार होगा। नोटिस आया अपना छिन्न मस्तकों देने तो सीओ वालों आया? सीओ वालों आया लेकिन टैक्स ब्रांच के वालों जारी किया गया ना, ये सारा जो काला धंधे का गोरख धंधा कर रहा है काला धंधा सुखबीर बोहरा ही कर रहा, यदि वजह ना ही किसी RTI का जवाब मिलता है ना ही किसी एप्लीकेशन से कार्रवाई हो जाती है। सही महीने के अंदर ये कैंट बोर्ड में यही चला रहे सुखबीर बोहरा और कोई नहीं चला रहा। समझते हैं जो मतलब कि वायोलेशन किया कोर्ट ऑफ कंडेम है, ये नोटिस भेज के ये कोर्ट ऑफ कंडेम्ड है जी, असी फरियाद की है हूँ जे हाई कोर्ट का सानू परमानेंट इंजेक्शन का मिलया वा ठीक है कि नहीं ऑर्डर तो सानू यह होगा भी चलो हूँ सानू कोई धक्केशाही ना कढ़ नहीं सकता, लेकिन जब इन्हों पता भी असी 13 तरीक न पेश होना इन्होंने फिर भी सानू क्यों नोटिस कर लिया और नोटिस कर लिया भी ठेकेदार के थ्रू आ ठेकेदारी की मिली भगती ना उसकी जेब भरने लिए कि तुसी जाके उसके नोटिस के अंदर नहीं लिखिया कि तुसी कैंट बोर्ड कार्यालय सीधे तौर पर किराया दो, उन्होंने लिखा छिन्न मस्तिका उर्फ कालू नू किराया दो, क्योंकि सरासर धक्केशाही है और असी ये धक्केशाही नहीं बर्दाश्त करांगे। 7 दिन के अंदर उन्होंने एक्शन ना लिया तो असी इत्थे भुख हड़ताल से बैठांगे और वह भुख हड़ताल रेगूलर चलेगी और किसी जानी माली नुकसान होंगे वा तो कैंट बोर्ड जिम्मेवार ठहराया जाएगा।